हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज इन करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन गिवेन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है। तो इसका आंसर है आंसर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो परमानेंट सेटलमेंट है वो इस्टेब्लिश की थी 1793 के अंडर, और मास्टरली इनएक्टिविटी जो स्टार्ट हुई थी वो जॉन लॉरेंस के द्वारा, और सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेजली, और फाउंडेशन ऑफ INC जो हुआ था लॉर्ड डफरिन के पीरियड में हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ए, कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द राइट टू अडॉप्ट एयर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टैब्लिश्ड बाय। तो जो अडॉप्शन का जो राइट था वो री एस्टैब्लिश हुआ था। इसका आंसर है डी, क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। तो क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858 में ये राइट जो है वो री एस्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था कि नवंबर 1, 1858 को लॉर्ड कनिंग के द्वारा जो क्वीन दरबार लगा था अलाहाबाद के अंदर, उस क्वीन दरबार में जो क्वींस अनाउंसमेंट हुआ था, उस अनाउंसमेंट में ये था कि जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है वो एबॉलिश की जाएगी, और जो रूलर्स को जो परमिट कर दिया जाएगा कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी एयर को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी, क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज पेशवाशिप एबॉलिश। तो पेशवाशिप जो है वो कब एबॉलिश हुई थी। तो इसका आंसर है आंसर बी, 1880। तो 1880 के 18 में पेशवाशिप जो है एबॉलिश हुई थी। तो क्या हुआ था कि ड्यूरिंग लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग टाइम जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई थी, उसमें जो मराठा हैं वो हार गए थे। जब मराठा हार गए तो वो जो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग है उसने क्या किया कि जो टाइटल ऑफ पेशवा है उसको अबॉलिश कर दिया, और जितने भी पेशवा के जितने भी रीजन थे उन सबको बॉम्बे प्रेजिडेंसी के अंदर मर्ज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी, 1880। क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में कुछ आपको गवर्नर जनरल्स गिवन है, और लिस्ट 2 में उनके टेन्योर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई थी ये गिवन है, और आप इसको मैच करना है। तो इसका आंसर है 4, 1, 2, 3। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलियम बेंटिक के टाइम में जो प्रोविजन ऑफ सती, मतलब जो सती है वो एबॉलिश्ड हो गई थी, और लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको बढ़ावा दिया गया था, एंड लॉर्ड कर्जन के टाइम में डिवीजन ऑफ बंगाल हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड द स्प्रिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान वॉज। तो ऐसा जो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी इस्टेब्लिश की थी टूवर्ड्स अफगानिस्तान। तो इसका आंसर है आंसर डी, लिटन। तो लिटन जो है वो वॉइसरॉय अपॉइंट हुआ था 1876 के अंदर, और उसने जो टूवर्ड्स अफगानिस्तान जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी को प्रेफर करना ज़्यादा अच्छा समझा, और उसने जो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी थी जो जॉन लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी, उस पॉलिसी को उसने रिप्लेस कर दिया उसकी अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी की से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया डी, लिटन। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ आपको कुछ वॉइसरॉय गिवन है, और आपको बताना है कि इस कौन से वॉइसरॉय ने सबसे ज़्यादा समय एज ए वॉइस रॉय सर्व किया। तो इसका आंसर है आंसर ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन
जो है उसका जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 था, उसने 7 ईयर सर्व किया। लॉर्ड डफरिन का जो पीरियड है 1884 से 1888 है, उसने 5 ईयर सर्व किया। और लॉर्ड हार्डिंग का जो है वो 1910 से 1916 तक है, उसने 6 ईयर सर्व किया। और लॉर्ड मायो का जो है 1869 से 1872, उसने 4 ईयर सर्व किया था। तो इन सब जो वॉइस रॉय है उसने सबसे ज़्यादा जो सर्व किया वो लॉर्ड कर्जन ने सर्व किया था 1899 से 1905, और उसने 7 ईयर्स के लिए सर्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। पहला, ही कलेक्टेड रेवेन्यू, वॉज मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड। सेकेंड, ही एनफोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज इंटायर एम्पायर। थर्ड, ही अबॉलिश पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तो इसका आंसर है सी, 1 एंड 3। तो पहला बिल्कुल सही है कि ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जो रेवेन्यू ले कलेक्ट करता था वो कल्टिवेटेड लैंड को मेजर करके करता था। तो बेसिकली उसका भी जो भी अपने लैंड पे जब वो चार्ज करता था टैक्स को, वो उसके लिए जो लैंड है उसको मेजर करता था। और इस सिस्टम को कहते थे दीवान ए मुस्तखरज, दीवान ए मुस्तखरज इस सिस्टम को कहते थे। और थर्ड भी बिल्कुल सही है, ही अबॉलिश पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो पहले जो जितने भी जमींदार्स हैं या साहूकार्स हैं उनके पास जो पावर होती थी कि वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने है वो अबॉलिश कर दी थी। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसमें लिखा है ही एनफोर्स रेवेन्यू मेजर इन हिज एंटायर एम्पायर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि जो उसने रेवेन्यू मेजर है वो अपने एंटायर एम्पायर के अंदर एनफोर्स नहीं किया था। वो बेसिकली जो उसका ये रेवेन्यू मेजर था वो लिमिटेड था दिल्ली और जो भी नियर बाई पार्ट्स थे उन तक ये लिमिटेड था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी, 1 एंड 3, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी के लिए के रिगार्डिंग गलत है। ए, ही इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म और प्राइस कंट्रोल। बी, ही बिगेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सी, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू चार्ज घड़ी और हाउस टैक्स। डी, ही स्टैब्लिश अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए कोई। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर है, आंसर डी, ही इस्टैब्लिश अ न्यू डिपार्टमेंट दीवाने कोई। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो दीवाने कोई जो डिपार्टमेंट है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टैब्लिश किया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और बेसिकली दीवाने कोई जो डिपार्टमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या से बेसिकली क्या मतलब कि जो क्रॉप रोटेशन है उसको इसमें बढ़ावा दिया गया था। दीवाने कोई में जो एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट है उसमें क्रॉप रोटेशन को बढ़ावा दिया गया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक मार्केट रिफॉर्म और प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो लागू किया था। और बेसिकली ये जो उसने लागू किया था वो अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश करने के लिए किया था। एंड ये भी बिल्कुल सही है कि उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी शुरू किया था, और उसने एक जो घड़ी और हाउस टैक्स भी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया डी, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग गिवन बिलो। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए सोने का सिक्का जो जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दिनार का नाम दिया गया। रीज़न ये है, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू अ टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन कंट्री। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोनों के सिक्कों में टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट असर्शन और रीज़न, कौन सा कोड सही है।
तो इसका आंसर है, आंसर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने जो न्यू गोल्ड कॉइन जो इंट्रोड्यूस किए थे उसको इब्न बतूता ने दिनार का नाम दिया था। रीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो जो टोकन करेंसी गोल्ड कॉइन में जो इशू करना चाहता था उसका मेन मकसद ये था कि वो जो अपनी मिलिट्री पावर है उसको प्रमोट कर देना। उसका मेन मकसद ट्रेड नहीं था, अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इस्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प अनएम्प्लॉयड। तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों की मदद के लिए रोजगार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है आंसर डी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो इस्टेब्लिश किया था फॉर दी अनएम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया डी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11, बदामी हैज कोटेड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक इन हिज वर्क। तो बदाउनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था कि द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रीड फ्रॉम हिज किंग, और ये बदाउनी ने किस किताब के अंदर ये लिखा था? तो इसका आंसर है आंसर बी, मुंतखब उल लुबाब। तो मुंतखब उल लुबाब के अंदर बदाउनी ने ये लिखा था। तो हम अपनी हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो काम थे वो इतने भी कुछ ज़्यादा बेकार नहीं थे। शायद हम ये कह सकते हैं कि वो समय से लेके कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड था। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि जो जिस वक्त जो चीज़ चल रही होती है हमें वही चीज़ करनी चाहिए। हमें समय से ज़्यादा पीछे भी नहीं रहना चाहिए और हमें ज़्यादा आगे भी नहीं रहना चाहिए, मतलब जस्ट लिविंग द मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी, मुंतखब उल लुबाब। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ कुछ आपको सुल्तान्स गिवन है और आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। 1, रुकतुद्दीन। 2, मुबारक शाह। 3, फिरोज शाह तुगलक। 4, आलम शाह। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1, 2, 3, 4। तो रुकतुद्दीन, देन मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो रुकन उद्दीन जो है वो स्लेव डायनेस्टी से था, एंड मुबारक शाह जो है वो खिलजी डायनेस्टी से था, और फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी से, और आलम शाह है सैयद डायनेस्टी से। तो इसको अगर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आएगा तो इसको आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अगर आपको इन सब की डायनेस्टी पता हो कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको ईयर भी ना पता हो डायनेस्टी पता, क्योंकि हमारी जो सबसे पहले जो डायनेस्टी दिल्ली सुल्तानेत वाली थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई, और फिर लोदी डायनेस्टी आई। तो फिर ये रुकुद्दीन जो स्लेव डायनेस्टी से था, फिर मुबारक शाह खिलजी डायनेस्टी से, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह सैयद डायनेस्टी से। तो इस तरह से इनकी क्रोनोलॉजी लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। तो यहाँ आपको सही क्रोनोलॉजी में लगाना है कि ये कौन सी चीज़ें इंडिया में पहले अपीयर्ड हुई। तो इसका आंसर है आंसर डी, 4, 3, 2, 1। तो अर्बन कल्चर जो आया वो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम आया, और जो आयरन प्लॉग आया वो वैदिक कल्चर के टाइम। पंचमार्क कॉइन है 6th BC में, एंड गोल्ड कॉइन जो है वो इंडो ग्रीक लाए थे अराउंड 2nd BC। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया डी, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 14, विच हरप्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ऐसी कौन सी हरप्पन सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो इसका आंसर है
आंसर सी धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है वो हरप्पन सिटी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। धोलावीरा बेसिकली जो कच्छ गुजरात में है और ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड द लोअर टाउन। तो ये एक ऐसी हरप्पन सिटी है जो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बिटवीन द फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड द लोअर टाउन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया सी धोलावीरा। वॉट इज द करेक्ट नॉर्थ टू साउथ सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो यहाँ आपको कुछ सभ्यता गिवन है और इसको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर है आंसर डी अजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का एंड देन इंका। तो अजटेक सिविलाइजेशन जो है वो मेक्सिको में पाई जाती है, माया सिविलाइजेशन ग्वेटमेला या फिर सेंट्रल अमेरिका के अराउंड है, और मुइस्का जो सिविलाइजेशन है वो कोलंबिया में, और कोलंबिया साउथ अमेरिका, और जो इंका सिविलाइजेशन है वो पेरू के अंदर। क्वेश्चन 15 का आंसर हो गया डी एस्टेक, माया, मुइस्का एंड इंका। तो ये नॉर्थ से साउथ इनका सीक्वेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और ये हम टेलीग्राम पे क्विज़ कंडक्ट कराते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्विज़ में पार्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।